नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल फैंटेसी एक्सपर्ट में। बात करेंगे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच जो सेकेंड T20 के मैच होने वाले हैं, इसमें मैं आप लोगों को फिर से ग्रैलिक और स्मॉलिक की टीम देने वाला हूं, जिससे कि पिछले मैच में जिस तरह टॉप किए थे उसी तरह टॉप करने की कोशिश करूंगा। और साथ में ट्रम्प कार्ड, पहले मैं बता दिया था कि डी मिचेल, FLN, वाशिंगटन सुंदर रहेंगे, तो इस मैच में कुछ ऐसे ट्रम्प कार्ड आने वाले हैं जिस पे आप भरोसा भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि अलग ग्राउंड पे मैच होने वाला है। तो वीडियो पे लगातार बने रहना और वीडियो को लाइक कर देना। जो लोग चैनल पे नए आए हैं चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबा देना। तो आइए जान लेते हैं कि कौन पिच पे मैच होने वाले हैं। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट ग्राउंड मैच होने वाला है और यहाँ पर अभी तक T20 के 8 मैच हुए हैं। फर्स्ट बैटिंग करने वाले 5 और सेकेंड बैटिंग करने वाले 3 मैच को विन किए हैं। तो जो टीम टॉस जीतेगी वो बैटिंग करना पसंद करेगी, लेकिन लखनऊ में मैच होने वाला है तो यहाँ पे ड्यू फैक्टर बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगा। ठंडी का मौसम है और 7 बजे शाम में मैच है, तो यहाँ पे 7 बजे के बाद कुहासा लगने लगते हैं, ओले गिरते हैं। तो जो टीम पहले बैटिंग करेंगे, मतलब बॉलिंग अच्छा होगा, जबकि सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करना काफ़ी मुश्किल होने लगता है तो बैटिंग अटैकिंग होती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि टॉस जीतेगी तो वो टीम फील्डिंग भी कर सकती है, लेकिन यहाँ पे मौसम जो अगर दिन में क्लीन रहता है, देखो कुहासा तभी लगता है या ओले तभी गिरते हैं जब मौसम पूरा क्लीन होता है। अगर बादल लगे होते हैं तो कुहासा गिरने की संभावना है वो कम हो जाती है। तो टॉस बहुत बड़ा फैक्टर होगा और ग्राउंड रिपोर्ट तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और फर्स्ट कमेंट में पिनअप है, वहाँ से ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम, जहाँ पे आपको रिपोर्ट मिल जाएंगे। और अगर इस ग्राउंड की हाई स्कोर की बात करें तो 199 सिर्फ 2 विकेट पर है। ये मैच में ईशान किशन सिंगल, जितने भी प्लेयर अभी खेल रहे हैं उसमें ये सिंगल प्लेयर खेले थे और इस मैच में 89 रन बनाए थे। तो इसी ग्राउंड पे मैच भी होने वाले हैं तो आपके ट्रम्प कार्ड ईशान किशन हो सकते हैं, लेकिन इनको मैं ट्रम्प कार्ड में अभी ऐड नहीं करूँगा। जबकि आप ग्रैंड लीग के टीम बना रहे हो तो आप दोनों को अलग अलग टीम में ट्राई कर सकते हो, मतलब कि 2 टीम बन जाएगी आपकी और तीसरे टीम में आपको दोनों को एक टीम में ट्राई करना, मतलब कि 3 टीम आपकी तैयार हो रही है ग्रैंड लीग में। जबकि स्मॉल लीग की टीम खेल रहे तो आप कॉनवे के साथ जाओ, समी सिराज नहीं खेल रहे, और पिछले मैच में भी बताया कि जब बड़े प्लेयर नहीं खेले तो कॉनवे की चलने की संभावना बढ़ जाती है और ये एक बड़े प्लेयर हैं, कभी भी बड़ा स्कोर खराब कर देते हैं। बैटिंग सेक्शन से सूर्या कुमार स्मॉल लीग के लिए सेफ है, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए सेफ है, क्योंकि फिर से लोग इन्हीं को कैप्टन वाइस कैप्टन स्मॉल लीग में लेकर आएंगे, तो आपको भी रखना है क्योंकि ये बड़े प्लेयर है और बड़ा स्कोर खड़ा करते हैं। अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन मिस करते हो तो आपका डायरेक्ट स्मॉल लीग में लॉस हो जाएगा, तो इनको तो अपने टीम में स्मॉल लीग में रखना है। फिर से वही गिल रहेंगे स्मॉल लीग में और डी मिचेल रहेंगे, जिस तरह पिछले मैच में हमने बताया कि ये बॉलिंग भी करेंगे तो इस मैच में भी कर सकते हैं, लेकिन टॉस बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। साथ में हार्दिक पांड्या को मैं स्मॉल लीग में रखूँगा और वाशिंगटन सुंदर आपके लिए ट्रम्प कार्ड फिर से बनेंगे, क्योंकि बॉल कराने की संभावना इनकी है, ये पूरे 4 ओवर करेंगे, लेकिन अगर बॉल कट सकती है तो हार्दिक पांड्या का न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इनका परफॉर्म अच्छा नहीं रहता है। मैं ODI से ही चिल्लाकर बोल रहा हूँ, लेकिन इंडिया पहले बैटिंग करते हैं तो ये रन मार सकते हैं, तो रन के अपेक्षा मैं इनको पिक कर रहा हूँ। और लोगों के टीम में भी है तो लोगों के टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन बना कर आ रहे हैं, तो मैं इसलिए पिक कर रहा हूँ कि सेफ रहेंगे, अगर ये कुछ रन मार देते हैं तो लॉस हो सकता है, तो इतना मैं रिस्क नहीं लूँगा, तो सेटनर और ब्रेसवेल को ले रहा हूँ। लेकिन पांड्या का ओवर कटेंगे तो यहाँ पे सीधा सीधा दीपक हुडा के खाते में ऐड हो जाएंगे और दीपक हुडा आपके ट्रम्प कार्ड साबित होंगे। तो ये एक ट्रम्प कार्ड का प्लेयर है जिनको आप नोट कर सकते हो, दीपक हुडा ग्रैंड लीग में आपके लिए सेफ है, इनको पिक जरूर करना कुछ टीमों में। तो फिलहाल जब मैं ग्रैंड लीग की टीम बनाऊंगा उसमें दिखाऊंगा, और अभी मैं स्मॉल लीग की टीम बना रहा हूं, तो इस मैच में वाशिंगटन सुंदर को मैं फिलहाल स्मॉल लीग की टीम में पिक नहीं कर रहा हूं, अभी मैं कंडीशन बताऊंगा, क्योंकि इंडिया पहले बैटिंग करते हैं तो हो सकता है कि बैटिंग ये कर ले, लेकिन अगर इंडिया टॉस जीत कर बैटिंग करते हैं
वो सॉरी फील्डिंग करते हैं, तो उस कंडीशन में इनकी बैटिंग आने की संभावना तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन विकेट में इनको ज़्यादा से ज़्यादा 1-8 विकेट मिल सकते हैं, तो उस कंडीशन में इनको ड्रॉप कर सकते हो। जबकि एक सेफ चाहते हो तो आप अपने टीम में रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से मैं शिवम मावी को अपने स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों टीम में ट्राई करूँगा, क्योंकि ये प्लेयर हैं थॉक में विकेट निकाल देते हैं, तो इसको तो अभी अपने टीम में रखा हूँ। साथ में डफी को रखूँगा और उमर मलिक रहेंगे। अर्शदीप सिंह को मैं स्मॉल लीग में ट्राई नहीं करूँगा, क्योंकि अर्शदीप सिंह का अभी जो फ़िलहाल रिसेंट का फॉर्म है पूरी तरह से ख़राब है और वो ठोका जाते हैं अच्छा खासा, तो इसलिए मैं इस टीम में नहीं रखा हूँ। आप वाइस कैप्टन सूर्या कुमार को रख सकते हो और ब्रेसवेल या वाशिंगटन सुंदर, इनको स्मॉल लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं करना भूल कर भी, ये थोड़ा रिस्की प्लेयर हैं। जबकि कैप्टन सूर्या कुमार और वाइस कैप्टन गिल कॉनवे या आप शिवम मावी को रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ स्मॉल लीग की टीम, और स्मॉल लीग टीम में मैं सूर्या कुमार को कैप्टन और वाइस कैप्टन शिवम मावी को कर दिया, तो ये सेव हो गया। जबकि ग्रैंड लीग की बात करें तो ग्रैंड लीग में जैसा कि हमने बताया कि आप एक ही मैच खेले इस ग्राउंड पे, ईशान किशन बड़ा स्कोर खड़ा किए, तो एक मैच में मैं ट्राई कर लेता हूँ। जबकि रिसेंट फॉर्म इसका पूरी तरह से ख़राब है, तो हो सकता है कि मैं दोनों को पिक कर लूँ, तो दोनों मेरे लिए सेफ रहेंगे। जबकि फिलिप मैं न्यूजीलैंड की तरफ से लूँगा, और फिलिप ये कंसिस्टेंसी प्लेयर हैं, पिछले मैच में भी कुछ रन बनाए थे, यहाँ पे देख सकते हो कि 22 पॉइंट है। हाँ, बैटिंग नहीं कर पाए, आउट हो गए थे, तो ये हो सकता है, लेकिन ग्रैंड लीग में ये आ सकते हैं। तो दो प्लेयर ये मेरे हो गए, और एक दीपक हुडा और सूर्या कुमार, तो ये मेरे तीन प्लेयर हो गए, और साथ में मैं एक डी मिचेल को ले रहा हूँ, तो ये मेरा चार बैटिंग सेक्शन से प्लेयर हो गए। जबकि मैं हार्दिक पांड्या और ब्रेसवेल दोनों को ग्रैंड लीग में ड्रॉप करने वाला हूँ, वाशिंगटन सुंदर और सेटनर को दोनों को लेने वाला हूँ। तो देखो, एक तो ये बॉलिंग से फ्लॉप है एंगेस्ट में, ब्रेसवेल को पिछले मैच में 2 विकेट इसलिए मिल गया क्योंकि स्टार्टिंग में इनको बॉल करा दिया, तो ये तो ईशान किशन के लिए खतरा है ही, क्योंकि एक ही लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है टॉप में इंडिया के, तो इसीलिए इनको टॉप में बॉलिंग करा दिया गया, और बाई मिस ईशान किशन इनके अगेंस्ट आउट भी हो गए। बाद में 1 विकेट मिल गया था, क्योंकि टॉप ऑर्डर जब क्लैश हो जाती है तो कहीं ना कहीं स्पिनर को भी विकेट मिल जाते हैं ठीक ठाक, लेकिन ये हर मैच में कुछ बड़ा कर जाए ऐसे प्लेयर नहीं है, तो मैं ग्रैंड लीग में दोनों को ड्रॉप कर दिया। देखो, दो बड़े प्लेयर को जो ड्रॉप कर रहा हूँ, तो रिस्की इसी को बोलते हैं, जो दो बड़े प्लेयर को ड्रॉप करके, और ये गिल तीन बड़े प्लेयर को ड्रॉप करके, दीपक हुडा और यहाँ पे जो ग्लेन फिलिप लिया हूँ, ये रिस्की प्लेयर हैं। तो आ जाते हैं अर्शदीप सिंह पे, और अर्शदीप सिंह कभी भी थॉक में विकेट ले लेंगे। आप देखे हो इसका बहुत सारा मैच, बड़े बड़े मैच में भी 3-4 विकेट निकाल देते हैं, तो उस कंडीशन में मैं उमर मलिक और अर्शदीप सिंह को पिक कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों ऐसे बॉलर हैं इंडिया की तरफ से, कभी भी सामने वाले टीम का बैंड बजा सकते हैं, तो उस कंडीशन में ये मेरे दोनों टीम में रहेंगे। जबकि शिवम मावी डफ़ी एक सेफ ऑप्शन है, ये विकेट निकाल कर दे ही सकते हैं, तो डफ़ी अब के लिए सेफ है। लेकिन यहाँ पे देखो, जब सोडी खेल रहे हैं और सोडी ऑफ ब्रेक बॉलर हैं, और साथ में ये ब्रेसवेल ऑफ ब्रेक बॉलर हैं, है ना, तो दोनों में से कोई किसी का ना किसी का तो ओवर कटेगा ही, तो ये रिस्की प्लेयर, ऐसे रिस्की प्लेयर को हम क्यों लें। ब्रेसवेल के पास तो ऑप्शन है कि चलो ये बैटिंग भी कर लेते हैं, लेकिन इतना डाउन बैटिंग है कि ये टॉस पे डिपेंड होता है, तो फाइनल टीम के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, फाइनल टीम आपको वहीं मिलेगी। जबकि कुलदीप यादव भी एक सेफ ऑप्शन है, बाकी मैं फर्गुसन को ले लिया हूँ, तो ज़्यादा रिस्क, तो इसलिए मैं ज़्यादा रिस्क लेना भी नहीं चाहिए। तो इस मैच में देखो, सूर्या कुमार को मैं फिर कैप्टन बनाऊँगा, और इसमें आप या तो सुंदर या वाशिंगटन सुंदर को वाइस कैप्टन बना सकते हो, या उमर मलिक को भी वाइस कैप्टन, ये सब सेफ है, मतलब सेफ रिस्की है। लोग अर्शदीप, उमर मलिक ये सबको कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं करेंगे,
और ये दोनों ऐसे बॉलर हैं कि कभी भी बड़ा मतलब थोक में विकेट निकाल लेते हैं। तो आपको लगता है कि स्टार्टिंग में विकेट निकाल देंगे तो हर्षदीप सिंह को वाइस कैप्टन बना दो या उमर मलिक को बना दो। तो फिलहाल ये मेरी इनिशियल टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। ओके, थैंक यू।